सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। दहेज के खातिर आज भी बेटियों को ससुराल के परिवार वालों के द्वारा मौत के घाट उतारा जा रहा है। नालंदा जिले के सिलाव थाना क्षेत्र के मितमा गांव में ससुराल के परिवार वालों ने बहू की हत्या कर सबको घर में ही पेट्रोल से जला दिया। सूचना के बाद मौके पर सिलाव थाना की पुलिस पहुंचकर शव का अवशेष बरामद करते हुए पोस्टमार्टम के लिए बिहारशरीफ सदर अस्पताल लाए, जहां मेडिकल बोर्ड गठन कर शव का पोस्टमार्टम किया गया। मृतका की पहचान अमित कुमार की पत्नी खुशबू कुमारी के रूप में की गई। मायके के परिजन पति समेत 6 लोगों पर दहेज हत्या का FIR दर्ज कराया है। घटना के बाद सभी आरोपी घर छोड़कर फरार हो गया। मृतका का मायके गया जिले के महकार थाना क्षेत्र के भवानी विघा गांव में है। मायके के परिवार वालों ने बताया कि धर्मेंद्र कुमार 2021 में अपनी पुत्री खुशबू की शादी मितमा गांव निवासी अमित कुमार के साथ हिंदू रीति रिवाज से किया था। शादी के बाद पति एवं ससुराल के परिवार उसे दहेज के लिए लगातार प्रताड़ित कर रहा था और अंत में उसकी हत्या कर दी। इसके बाद साक्ष्य छिपाने की मंशा से सबको घर में ही पेट्रोल से जला दिया। ग्रामीणों के द्वारा फोन पर घटना की जानकारी मायके के परिवार वालों को दी गई। परिजन बेटी के घर पहुंचे, जहां उन्हें बेटी के शव का अवशेष मिला। वहीं सिलाव थाना अध्यक्ष पवन कुमार ने बताया कि पति समेत आधा दर्जन को आरोपित किया गया है। फिलहाल अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। वहीं बिहारशरीफ सदर अस्पताल में मेडिकल बोर्ड का गठन कर शव का पोस्टमार्टम कराया गया है। दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले।